हेलो एवरीवन, वेलकम है रूबीज क्रिएटिव बालकनी गार्डन में। तो आज मैं जा रही हूँ पेंसिल कैक्टस को लगाने। तो उसके लिए हमने मिट्टी तैयार करके रखा हुआ है। इस प्लांट को मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी पर मुझे नहीं मिल रहा था, तो इस बार मुझे मिल गया है। बहुत ही हेल्दी और बड़ा प्लांट मिला है मुझे, जिसको लगाने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो इस प्लांट में कोई पत्ता नहीं होता है, इसमें पेंसिल की तरह डंडियाँ निकली होती है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और देख लीजिए ये कितना रूट बाउंड है, लगभग 2 साल पुराना पौधा होगा ये। तो इस प्लांट के लिए हमने मिट्टी वेल ड्रेन तैयार किया हुआ है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि पेंसिल कैक्टस है, तो कैक्टस तो नहीं है, इसमें कोई कांटे वगैरह नहीं है, सकुलेंट टाइप का है, पर इसके लिए मिट्टी वेल ड्रेन ही चाहिए। तो इसके लिए हमने मिट्टी तैयार किया है, रेतीली मिट्टी हमारे पास था जिसमें रेत मिला हुआ था, और 20% के करीब हमने इसमें खाद मिला रखा है, गोबर खाद, और एक मुट्ठी नीम खली। इस प्लांट को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है, आप साल में 2 बार खाद दे दीजिए तो बहुत है इसको। और 5% के करीब हम इसमें कोकोपीट भी मिक्स किए हैं। इसके लिए हमने गमला 10 इंच का लिया है और ऊपर से ठीकड़ी और उसके बाद सूखे पत्ते कुछ डाले हैं। ये प्लांट बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, ऐसे लगता है जैसे छोटा सा ट्री हो। और इस प्लांट को धूप पसंद है तो धूप में हम रख सकते हैं, 5-6 घंटे की धूप मिल जाए तो अच्छा है। इसको निकालने पर इसकी डंडियाँ कई टूट गई हैं क्योंकि रूट बाउंड था तो निकालने में प्रॉब्लम हो रहा था। इसकी कटिंग भी आसानी से लग जाती है तो मैं उसको भी लगा लूँगी। तो मुझे तो कई फ्रेंड बोले कि कटिंग से लगा लीजिए, प्लांट नहीं खरीदना चाहिए था, पर हमारे यहाँ कहीं भी नहीं दिखा ये प्लांट, इसलिए मुझे खरीदना पड़ा क्योंकि मुझे ये प्लांट बहुत पसंद है। तो फाइनली प्लांट निकल गया है पन्नी से। तो हमने गमले में लगभग 2 इंच के करीब मिट्टी भर लिया है और उसके बाद प्लांट रखेंगे। आप देख सकते हैं इसके रूट कितने मोटे मोटे हैं। और इस प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है तो पानी हम देख करके देंगे, मिट्टी जब ड्राई हो जाए ऊपर से 2 इंच तक तभी पानी देना है, नहीं तो प्लांट खराब भी हो सकता है। और इस प्लांट को लगाने के बाद ऊपर से दबा लेंगे मिट्टी डाल करके अच्छे से, ताकि एयर ना रहे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरा न्यू वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तो हमारा प्लांट लग चुका है और हमने इसको ऊपर रख लिया है स्टैंड पे, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है ये छोटा सा ट्री। इस प्लांट को हमने अच्छे से पानी दे दिया है और धूप में ही रखा है, जहाँ इसको 3-4 घंटे का धूप मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।